वेलकम टू सिनेब्रिटी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की लोकप्रियता सालों साल बाद भी कायम है। सोनी सब टीवी के इस सीरियल की जान है जेठालाल गड़ा। और ताजा खबर ये है कि जेठालाल बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल को अपने व्यापार में चल रही मुश्किलों ने बहुत ही ज्यादा त्रस्त कर दिया है। और अब जेठालाल पर ऐसी नौबत आ चुकी है कि उन्हें अपनी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ गोकुलधाम सोसाइटी को भी छोड़ना पड़ रहा है। और जेठालाल के बिजनेस पर आए आर्थिक संकट ने उन्हें काफी मुश्किलों में डाल दिया है। दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों का पगार और अन्य खर्चों को संभालने में असमर्थ होने के कारण उन्हें ये कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान भोगीलाल को क्रेडिट पर दिए हुए सामान का भुगतान न मिलने के कारण जेठालाल के व्यापार पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और वो पेमेंट वसूल करने की काफी कोशिश करते हैं, पर उसमें असफल होने के कारण उन्हें अपनी दुकान बेचने का मुश्किल निर्णय लेना पड़ रहा है। जेठालाल इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि उन्हें अपनी मित्र और गोकुलधाम सोसाइटी को भी छोड़कर जाना पड़ रहा है। वैसे भी जेठालाल इस बात से पहले परेशान है कि दया अब तक नहीं लौटी है और उन्हें दुकान के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ रही है। लेकिन इस बार जो समस्या आई है उसमें तो मेहता साहब और सोसाइटी के अन्य सदस्य भी मदद नहीं कर पा रहे। अब क्या होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य? क्या गड़ा परिवार को गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर जाना पड़ेगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहने पर क्या करेंगे अब नटू काका और बाघा? ऐसे में तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस सीरियल में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए हमें जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।